उसने सतान कदापि ये नहीं चाहेगा, हरकस यही प्रयास करेगा कि आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाएं, कान ना लगाएं, और इसलिए जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करता रहेगा आपके जीवन में कलेश कलह और बहुत सी बुराइयां, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी परेशानियां लाकर खड़ा कर देगा कि आप परमेश्वर की सुनना बंद कर दोगे, उसके विरोध में हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सात प्रकाशित वाक्य के सात खंडों में से दूसरे खंड के विषय में बातचीत कर रहे हैं, सात कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने पिरगमुन की कलीसिया के बारे में सीखा था, नौ और दस जो भाग थे उसके विषय में सीखा था कि परमेश्वर जो है पिरगमुन की कलीसिया के दूत के विरोध में जो बातें कह रहा है और क्या बातें कह रहा है उसके विषय में हमने सीखा था। आज हम पिरगमुन की कलीसिया का जो ग्यारहवां भाग है उसके विषय में सीखेंगे कि मसीह द्वारा दूत और उसके समय के जय पाने वाले लोगों को परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो रिवार्ड देने की बात करता है कि मैं उसको रिवार्ड दूंगा। क्या रिवार्ड देगा, हम इसको पढ़ लेते हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पिरगमुन की कलीसिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं पिरगमुन की कलीसिया के बारे में, प्रकाशित वाक्य दो अध्याय और उसका 12 पद से लेकर 17 पद तक। मगर आज हम बात करेंगे 17वें पद की। 17वें पद में जिसके कान हुए सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। ये जो है परमेश्वर का वचन है, जिस बात के लिए जो है पिरगमुन के लोगों के लिए क्या क्या बातें कह रहा है। इसके हम पहले रूपरेखा इसकी इस पद की तैयार कर लेते हैं। पहला है जिसके कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, दूसरा है जो जय पाए, तीसरा है उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, चौथा है और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, पांचवा है और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। जिसके कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पहला पॉइंट, आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम लोग ने बहुत सा सुना है और कहते भी हैं कि किसके कान नहीं है। देखिए, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि सांप जो है उसके कान नहीं है। आप जब सांप की स्टडी करेंगे, जब आप सांप के बारे में सीखेंगे, तो लिखा है कि उसके कान नहीं होते हैं और वो पेट के बल रंगता है और जब वो अपनी जीभ बार बार निकालता, आप देखना कि वो अपनी जीभ जो है वो बार बार निकालता है जिससे वो हर चीज का पता लगता है, अपने शिकार का पता लगाता है और जो धमक होती है पृथ्वी पर उस धमक से उसे पता चलता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें जो हैं वो पता करता है। सबसे पहली बात, जब हम सांप की बात करते हैं कि सांप के कान नहीं होते हैं, तो सांप है क्या। जब आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ेंगे, लिखा है तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। देखिए, ये कौन है, ये वो अजगर है, वही पुराना सांप है। देखिए, सांप है, उसके कान नहीं होते। अब अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे हैं या अनसुना कर दे रहे हैं, तो हम किसकी संतान ठहरते हैं, हम इसी अजगर की, इसी सांप की संतान ठहरते हैं। क्योंकि इस अजगर ने, इस सांप ने जो एक बहुत स्वर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा औहदा था इसका, ये प्रधान सरदूत था, ये छा जाने वाला करूब था, इसने परमेश्वर की जब बात को नहीं सुना, परमेश्वर की बात को नहीं माना, तो ये स्वर्ग से नीचे जो है ये गिरा दिया गया। और जब ये गिरा दिया गया तो क्यों, क्योंकि इसने सुना नहीं। हमारे पास कान तो हैं, हम परमेश्वर की नहीं सुनते, या कान होने के बावजूद भी अगर हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब हम, हमारे पास कान नहीं है, हम जो है इस शैतान की जो है संतान है, जो प्रभु यीशु मसीह की और उसकी आत्मा की नहीं सुनता है, तो वो क्या है, वो इस शैतान की संतान ठहरता है। क्योंकि योन्ना 8 उसके 44 पद में क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है।
क्या है, जब हम देखिए हमारा पिता कौन होता है, शैतान होता है। कब होता है, कब वो हमारा पिता बन जाता है, जब हम परमेश्वर की सुनना बंद कर देते हैं, नंबर एक बात, जब हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, नंबर दो बात, और जब हम बुराई की ओर बढ़ते चले जाते हैं और बुराइयों में, व्यभिचार में, गलत शिक्षाओं में, गलत बातों में लिप्त हो जाते हैं, तो हमारा पिता जो है फिर स्वर्गीय पिता नहीं रहता, बल्कि शैतान हमारा पिता बन जाता है और हमारे अंदर बुराइयां आ जाती हैं। ये चीज है, और इसलिए वो कहता है कि जो जय पाए इन बातों के ऊपर, शैतान के कामों के ऊपर, शैतान की बातों के ऊपर, जो है जो जय पाता है, शैतान नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की बातों को सुने, आप परमेश्वर के वचन को सुने, शैतान कदापि ये नहीं चाहेगा, भरकस यही प्रयास करेगा कि आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाएं, कान ना लगाएं, और इसलिए जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करता रहेगा आपके जीवन में कलेश, कलह और बहुत सी बुराइयां, बहुत सी चीजें, बहुत सी परेशानियां लाकर खड़ा कर देगा कि आप परमेश्वर की सुनना बंद कर दोगे, उसके विरोध में हो जाओगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जब हम इन बातों पर, शैतान की बातों पर ध्यान नहीं करते हैं, सिर्फ परमेश्वर की बातों को ध्यान करते हैं और उसकी मानने लगते हैं, तो हम जय पाए लोगों में शामिल हो जाते हैं। लिखा ना, जो जय पाए। अब कैसे जय पाने वाली बात है, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में क्या लिखा है, देखिए कैसे जय प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे संसार पर जय प्राप्त करता है, और वे विजय जिसे जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जय प्राप्त करता है। अगर हम ये मानते हैं कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, तो हम संसार पर जय प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुए हैं और हमें जय प्राप्त करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन जो सिखाता है, फिर लिखा हुआ है और वह विजय जिससे जय प्राप्त होती है, क्या है वह, हमारा विश्वास है। अब हमारा विश्वास जो है वो हमारी विजय है, वो हमारी जय है, मगर हमारा विश्वास है किस पे, यीशु मसीह पर। जी हाँ, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, हम विजय पाए होते हैं, क्योंकि हमने सारी बातों को अनसुना करके, शैतान की, संसार की, लोगों की, बेकार की बातों को अनसुना करके हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा और जो कुछ उसने कहा हमने उन बातों को माना, तो हम क्या हो गए, हम जय पाए हुए लोग हो गए। इस तरीके से जो है वो जय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसका 5वां पद जो है वो ध्यान करेंगे कि किस तरीके से और जय प्राप्त कर सकते हैं, कि हमारा विश्वास, हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा विश्वास है क्या और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लोग कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी। देखिए हमारा विश्वास हमारी विजय है, मगर वो विश्वास कैसा होना चाहिए जो हमें विजय प्राप्त करा सके, ये ध्यान करने की बात है। जो विश्वास कैसा होना चाहिए, विश्वास ऐसा होना चाहिए जो हमें शैतान पर, जो हमें शैतान के लोगों पर, जो संसार पर, संसार की चीजों पर, संसार की बातों पर विजय दिला सके, एक ऐसा विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए, तो हम विश्वासी हैं। विश्वासी कह देने से विश्वासी नहीं होते। देखिए मैंने पहले भी संदेशों में 2 चीजें बताई, विश्वास क्या है। विश्वास पवित्र आत्मा का फल भी है और पवित्र आत्मा का वरदान भी है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप जो है विजय प्राप्त कर रहे हैं अपने विश्वास के द्वारा, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है हर सूरत से, वरदान के द्वारा भी और फल के द्वारा भी। यानी आपके स्वभाव में क्या आ रहा है, फल की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर विश्वास का गुण पैदा हो गया है, एक अटूट विश्वास का गुण पैदा हो गया, आपका स्वभाव विश्वासी बन गया है। ध्यान देने की, बहुत ध्यान देने की बात है। और वरदान क्या है, वरदान जो है कि प्रभु ने हमें वरदान दिया है कि हम विश्वास के द्वारा जो मांगते हैं वो हो जाता है, वो हमें मिल जाता है, या विश्वास के द्वारा जो हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, इमीडिएटली मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। ये दोनों बातें वरदान और फल में, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल यानी विश्वास में ये चीजें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत है। चलिए मैं इस पद को भी पढ़ देता हूँ, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसका 5वां पद, संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। देखिए यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये तो सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं। कि अब हम कह के कि आप मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जितने भी मसीह लोग हैं सारे मसीह ये कहेंगे हाँ हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। तो बस इतना विश्वास कर लेना इनफ है। देखिए परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब क्या है, कि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना
कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब जो है क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में क्यों भेजा? यानी हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए, हमारे पापों के लिए मर जाने के लिए, और तीसरे दिन जी उठे जाने के लिए, ताकि हम उसके साथ मर जाएं, उसके साथ गाड़े जाएं, और तीसरे दिन हम भी उसके साथ जो है जी उठे। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया, यीशु मसीह के द्वारा वो हम तक पहुंचा है। तो हमारे अंदर भी वो बातें दिखाई देनी चाहिए जो यीशु मसीह में परमेश्वर की बातें दिखाई देती हैं एक मनुष्य रूप में जब प्रभु यीशु मसीह आया। क्या वो दिखाई दे रही है? ये या सिर्फ इतने ही मान लेते हैं, हाँ भाई वो परमेश्वर का पुत्र है, हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर की खूबी उसके अंदर है, परमेश्वर का कैरेक्टर उसके अंदर है। यदि हम इस बात को मानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इस पे विश्वास करते हैं, तो उस पुत्र पर यानी यीशु मसीह की खूबी, यीशु मसीह का कैरेक्टर भी हमारे अंदर होना चाहिए, उसका चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। यह है यीशु मसीह पर यह विश्वास करना कि हाँ हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जैसा परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का चरित्र यीशु मसीह में दिखाई देता है, ऐसे यीशु मसीह का चरित्र जो है या कैरेक्टर जो है वह हमें दिखाई देता है, हमें दिखाई देना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ऐसा नहीं है ना, तो फिर सब कुछ बेकार की बातें हैं सारी चीजें। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 16वें पद में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। जी हाँ, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्या मीन्स है इसका? यानी जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की तरह पवित्र है, ऐसे हमें भी यीशु मसीह की तरह पवित्र बनना है। यह है उसका अर्थ। सिर्फ यह नहीं, हाँ हम मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। खोजे को जब फिलिपुस ने बपतिस्मा दिया तो उसने यही उससे अंगीकार करवाया। क्या करवाया? कि क्या तू ये मानता है, ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? कहता हाँ मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं जैसा प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की पवित्रता जैसे प्रभु यीशु मसीह में है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता मेरे अंदर भी आए, और इसलिए मैं अपने पापों को धोकर और बपतिस्मा लेकर उस पवित्रता को अपने अंदर रखना चाहता हूँ, उस करेक्टर को जो यीशु मसीह का है, उस चरित्र को, उस पवित्र चरित्र को अपने अंदर बसाना चाहता हूँ। ये इसका मीनिंग है, ये इसका अर्थ है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अभी ये जो पॉइंट है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके आगे और भी बहुत से चीजें हैं जो हमने देखा है, उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। परंतु आज हम जय पाने वाले लोगों में शामिल हो, और कैसे जय प्राप्त करेंगे ये आपने सीखा है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद।